छिंदवाड़ा का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय वो पहुंचे और अपना पर्चा उन्होंने दाखिल किया। छिंदवाड़ा को उनके गढ़ के तौर पर देखा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब छिंदवाड़ा पहुंचे, वो पहुंचे हुए थे नामांकन दाखिले के लिए और अपना पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया। जिला निर्वाचन कार्यालय वो पहुंचे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ में बेटे और सांसद नकुलनाथ, समर्थक भी उनके साथ थे, स्थानीय नेता उनके साथ रहे। भरा है, मुझे पूरा विश्वास छिंदवाड़ा के और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि वह भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। कितने सीट जीतने का लक्ष्य? मैं शिवराज सिंह जी नहीं हूं जो ये लक्ष्य बनाता है, ये जीतने की सीटें मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे। सर, राम को काल्पनिक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राम भगवान भी काल्पनिक। देखिए, ये कुछ भी कहें, अंत में मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। अमित शाह सहयोगी राजेश करमेले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा? तस्वीरें हम देख रहे हैं जो आपने पहुंचाई हैं, नकुलनाथ भी नजर आ रहे हैं, बयान भी उन्होंने दिया है। जी राजेश। देखिए ललित, आज जब ये नामांकन भरने कमलनाथ जी निकले तो सबसे पहले वो मंदिर गए, राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद बड़ी माता मंदिर जो शक्तिपीठ माना जाता है शहर का, वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद रैली के रूप में श्याम टाकिस से इनका काफिला जो है वो बस स्टैंड पे पहुंचा, जहां पर एक बड़ी सभा का आयोजन था। नामांकन फॉर्म भरने के पहले इन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके अलावा सांसद नकुलनाथ और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी संबोधित किया। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस दौरान ये रहा कि बैतूल से छिंदवाड़ा आई निशा बांगरे, जो राज्य प्रशासनिक सेवा की महिला थी, काफी दिनों से चर्चित थी, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता मंच पर ली है। मंच से ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि इनकी सेवाएं जो है वो प्रदेश में ली जाएंगी और उनका स्वागत किया निशा बांगरे का। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट